पंकज पंकज जी रिकॉर्डिंग पे लगा दीजिए, मुझे इस पे ले आइए। अब सभी साधकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सच अ नाइस थिंग टू बी विद यू ऑल। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। सो लास्ट सेशन में सबसे पहले बताएं कि मैं एम आई ऑडिबल, सबको सुनाई दे रहा है? जी। तो लास्ट सेशन में हमने जब लास्ट मैंने लेक्चर लिया था तो उस समय बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा थी कोरोना को लेकर, और उसी के विषय में मैंने कहा था कि मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो है मैं लेना चाहूंगी। तो आज थोड़ी सी उसी के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा और भय मुक्त होने का प्रयास। और सबसे पहले जो है एक मंत्र के साथ मैं शुरू करना चाहूंगी जो हमारे वेदों में से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अर्थात दैट विच इज अनमैनिफेस्टेड, यानी कि जो प्योर कॉन्शियसनेस है दैट इज फुल, पूर्ण है और वह परफेक्ट है। और यह जो मैनिफेस्टेड है यानी के जो मैटर विच इज ऑल्सो फुल एंड पूर्ण और जिसे कहेंगे परफेक्ट, और उस फुलनेस से ये फुलनेस मैनिफेस्ट होती है। और फिर भी लेकिन जो बचता है वो है पूर्ण ही है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि हम सब पूर्ण है, परफेक्ट डिवाइन क्रिएशंस है ऑफ द सुप्रीम। और हमें ये दो महत्वपूर्ण बातें जो मैं इस लेक्चर में एम्फेसिस देना चाहूंगी। पहली बात कि हम सब पूर्ण हैं, हम सब में दिव्यता है, और जिस ईश्वर ने इतनी सुंदर और सर्वश्रेष्ठ कृति जिसे कहना चाहिए, न केवल मानव बल्कि सारा प्राणी जगत इज वेल इक्विप्ड विद द सेल्फ मेंटेनिंग सेल्फ रिपेरेटिव और सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी के साथ हम लोग सब पैदा होते हैं। सभी प्राणियों में ये क्षमता होती है। तो पहली बात तो अपनी दिव्यता, अपनी ईश्वरीयता पे हमें ज्यादा विश्वास करना है बजाय एक्सटर्नल एड लेने के, मेडिसिन से या किसी भी इंफेक्शन से फाइट करने के लिए। तो उससे ज्यादा हमें अपनी इस पूर्णता पर, इस दिव्यता पर, इस अपनी क्षमता पर विश्वास करना है। और दूसरी बात जो जिस पर हमें मेनली फोकस करना है कि हमें किसी से लड़ने की, किसी को मारने की, किसी को खत्म करने की जो भाव है उससे परे होके स्वयं के अंदर इतनी सक्षमता पैदा करनी है जिससे कि हमें ऐसे तरीके खोजने हैं जिससे क्रिएटिव वेज, जिससे हमारी वो जो दिव्यता है, रोग प्रतिरोग क्षमता है, वह बढ़ सके। जी कुछ कहना चाह रहे थे? सो ये दो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसे कि हमें इस बात को बहुत अधिक आवश्यक समझना है। यानी कि जो मेन मोटो है हमें जो है वो आज का, जिसे कहते हैं रिटर्न टू नेचर एंड करेक्ट योर लाइफस्टाइल, दैट इज द ओनली वे टू बूस्ट अवर इम्यूनिटी। और बाहर कोई जंग नहीं छेड़नी है, किसी को समाप्त नहीं करना है, क्योंकि सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि जब से रचना, जब से क्रिएशन हुआ है, तब से ही ये जो है वायरस है या बैक्टीरिया है, यहाँ तक के जो हमारा शरीर है वो केवल 10% ऑफ द हमारे सेल्स है, बाकी 90%
we are made up of microbes, pathogens, viruses, bacteria. वो सब हमारे भीतर है, बाहर है, और हमें सिर्फ किस चीज का ध्यान रखना है, क्यों ये डर का, भय का माहौल बना हुआ है और इससे कैसे निजात पाना है। तो उसके लिए आज मैं फाइव फोल्ड डाइट की बात करूंगी। फाइव फोल्ड डाइट, जी हाँ, जो पंच तत्व हमारे शरीर को या पूरे ब्रह्मांड की रचना में जो तत्व है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आकाश तत्व, ये पांच डॉक्टर हैं जो हमारे को प्रकृति ने दिए हैं हमारे को सदा स्वस्थ रखने के लिए। ईथर यानी कि आकाश तत्व, ये डॉक्टर आकाश यानी कि इस तत्व को हमें कैसे रिप्लेनिश करना है जिससे हमारा शरीर यानी कि स्पेस एलिमेंट। फास्टिंग यानी कि ये सबसे बड़ा जो है आकाश तत्व हमारे भीतर, जिसे महात्मा गांधी ने भी कहा है कि ये सभी तत्वों से बड़ा महान तत्व है, यदि ये तत्व नहीं होता तो रचना संभव नहीं थी, क्रिएशन संभव नहीं थी, कुछ भी होना संभव नहीं था। तो इस आकाश तत्व की इंपॉर्टेंस को समझते हुए कि हमारे स्वास्थ्य के लिए इस स्पेस एलिमेंट, आकाश एलिमेंट की कितनी आवश्यकता है, अनिवार्यता है, सबसे पहले ये आवश्यक क्यों है, स्पेस के बगैर हमारे भीतर हवा का प्रवेश नहीं हो सकता, हमारे भीतर सर्कुलेशन नहीं हो सकता। यदि हम खाना आवश्यकता से अधिक खाते हैं तो हमारे भोजन को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या चर्निंग और मिक्सिंग ऑफ द जूसेस वो पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए हमारे सभी कार्यक्रम, सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, शारीरिक क्रियाएं जो हैं, चाहे वो पाचन है, निष्कासन है, चाहे एसिमिलेशन है, उसके लिए आकाश तत्व का होना नितांत अनिवार्य है। अब इसको किस तरह से हम अपने जीवन में इसकी पूर्ति कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले जो उपवास है वो सबसे बड़ा, इट इज द ब्रह्म अस्त्र जिसे कहना चाहिए, या द ग्रेटेस्ट टूल ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। जैसे कि पहले भी लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि हमारे भीतर जो रोग है, जो इन्फेक्शन है, एक्चुअली वो हमारे शत्रु नहीं, हमारे मित्र है। क्योंकि जब हमारे भीतर विकारों की अत्यधिक जो है मात्रा हो जाती है, नॉर्मली तो हमारे शरीर से चार निष्कासक अंग निरंतर मल निकाल रहे हैं, सांसों के द्वारा हमारे लंग्स है, हमारे आंतों से जो है मल निकल रहा है स्टूल की फॉर्म में, किडनीज हमारे निरंतर पेशाब के द्वारा हमारा जो है मॉर्बिड मैटर, टॉक्सिक मैटर को निकाल रही है, और जो त्वचा है वो लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि हमारे शरीर से पसीने के द्वारा टॉक्सिक मैटर को बाहर निकालती है। बट ये एक साधारण प्रक्रिया है, लेकिन जब जिसे कहते हैं ना कि अननेचुरल या अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस में बॉडी जो है अनयूजुअल और असाधारण जो है तरीके अपनाती है, तो तब बॉडी जो है हमारे को फीवर रेस करके, बॉडी जो है शरीर का तापमान बढ़ाती है ताकि भीतर आए हुए वायरसेस या टॉक्सिक मैटर वो जल के समाप्त होके हमारे शरीर को फिर से स्वस्थ कर दे। तो एक बहुत बड़े जो है प्राकृतिक चिकित्सक, बल्कि वह फादर ऑफ मेडिसिन रहे हैं, हिपोक्रेट्स, उन्होंने कहा गिव मी फीवर एंड आई विल गिव यू हेल्थ। तो जो ये फीवर या एक्यूट इलनेसेस जितनी भी है, चाहे उसे सर्दी जुखाम कहिए, हेडेक्स कहिए, वॉमिटिंग, डायरिया, जितने भी ये एक्यूट इलनेसेस जो तीव्र गति से आते हैं, वो ये दर्शाते हैं कि हमारी भीतर की जो जीवनी शक्ति या वाइटैलिटी है, इट इज एट वर्क एंड इट इज ट्राइंग टू थ्रो अवे द टॉक्सिक मैटर फ्रॉम आवर बॉडी। तो उस समय हमें क्या करना है, हमें पैरासिटामोल या कुछ दवाइयों के द्वारा उस ईश्वरीय दिव्यता का जो क्रिया है उस पे बाधक तत्व नहीं पैदा करना, बल्कि उसका सहयोग करना है। और उसके लिए सहयोग करने के लिए 3 डेज का लिक्विड डाइट प्रोटोकॉल हर एक व्यक्ति से मैं आग्रह करूंगी कि वायरस, बैक्टीरिया, ये सभी में हमारे शरीर की दिव्यता से ज्यादा क्षमता नहीं है, हमारी इम्यूनिटी से ज्यादा क्षमता नहीं है। बस हमें समझने की जरूरत है कि ऐसे समय में हमें करना क्या है। पहली बात तो घबराना नहीं है,
कि हमें इन्फेक्शन हो जाएगा. अगर मान लीजिए इन्फेक्शन हो भी गया, सो व्हाट, आपके पास टूल है, वो दिव्यता है. और आपको करना क्या है, आपको 3 डे लिक्विड डाइट प्रोटोकॉल को अपनाना है, जिसमें पहले दिन जैसे ही ऑनसेट ऑफ आपको कुछ सर्कमस्टेंसेस लगते हैं, चाहे आपको लूज मोशन होते हैं, चाहे आपको हेडेक होता है, चाहे आपको फीवर होता है, तो आपको पहले दिन आपको 6 से 8 ग्लासेस आपका जो है नारियल पानी, और 6 से 8 ग्लासेस आपको सिट्रस फ्रूट जूस, चाहे वो मौसमी है, संतरा, कीनो, चकोतरा, चाहे पाइनएप्पल, एनी सिट्रस फ्रूट जूस आपको जो है ये पूरे दिन में, आपको तुरंत ऐसी अवस्था में भोजन का त्याग कर देना है, कोई सॉलिड फूड, कोई अन्न, कुछ नहीं खाना, रोटी इत्यादि का जो है उसको छोड़ के आपको केवल और केवल लिक्विड जूसेस और नारियल पानी पे रहना है. और याद रखिए, 1 ग्लास जूस 250 ml जो आप पीते हैं, उसको कम से कम 10-15 मिनट लगाएंगे सिप सिप करके, धीरे धीरे, एकदम गटागट नहीं पीना है. तो ये हमारा पहले दिन का प्रोटोकॉल. सेकेंड डे का प्रोटोकॉल रहेगा, हमें जो है 4 ग्लास, 7-8 ग्लास से अब हम 4 ग्लास पे आ जाएंगे नारियल पानी पे, और 4 ग्लास हम पियेंगे सिट्रस फ्रूट जूस. और रात के समय में आप जो है खीरा, टमाटर 250 ग्राम के क्वांटिटी लेकर इसका सेवन कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप बहुत अच्छा महसूस करने लगेंगे. इसका कारण क्या है कि जो ऊर्जा, यदि आप भोजन करते रहते, जब आपकी तबीयत खराब है और आप तब भी भोजन करते रहेंगे, तो जो ऊर्जा, जो शक्ति आपकी हीलिंग में लगनी थी, वो आपकी पाचन, भोजन को पचाने में लगी रहेगी, तो वह शक्ति जो है क्षीण होती रहेगी और आपकी हीलिंग स्लो होगी. तो दूसरे दिन का प्रोटोकॉल आपको बता दिया. आप तीसरे दिन जो है आपको 2 ग्लास नारियल पानी, 2 ग्लास आपको सिट्रस फ्रूट जूस, और लंच में जो है आप खीरा, टमाटर 250 ग्राम तक आप ले सकते हैं. और आप देखेंगे तीसरे दिन रात के समय तक आप इतना अच्छा स्वस्थ फील करेंगे कि आप सामान्य भोजन, घर का लो फैट, लो स्पाइसेस वाला खाना आप खा सकते हैं. और याद रखिए कि ये जो है अभी कुछ साल 2018 की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नोबेल प्राइज विनिंग साइंस, एक जापानीज कपल को भी ये फास्टिंग, किस तरह से 24 घंटे फास्टिंग रखने पे किस तरह से उन्होंने ये रिसर्च की कि हमारे वाइट सेल्स जो इम्यूनिटी के लिए हमारी फौज तैयार करते हैं, वो इतने एक्टिवेट हो जाते हैं कि दे कैन किल इवन द कैंसर सेल्स. तो ये इस तरह से हमें इस ईथर एलिमेंट को रिप्लेनिश करते हैं. सेकंड एलिमेंट हमारा है एयर एलिमेंट, यानी के वायु. हमारे भीतर जो है, जब हम सांस लेते हैं, तो हमारे भीतर वायु के द्वारा प्राण जो ऊर्जा है, वो जो है सूक्ष्म जो रूप है ऊर्जा का, वह वहन करता है वायु पर, और हमारे ब्रीदिंग के द्वारा हमारे भीतर जो है प्राण ऊर्जा प्रवेश करती है, और हमारे भीतर ऑक्सीजनेशन होती है. और जितनी ज्यादा ऑक्सीजन हमारे भीतर जाएगी, हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी, उतनी ही हमारी जो है ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, एक एक कोशा को जब नरिशमेंट मिलेगा, तो हमारी इम्यूनिटी नेचुरली बूस्ट होगी. और हमारे भीतर जो पंच प्राण है, अपान, व्यान, समान, उदान, ये सभी पंच प्राण जो है, जब हम सुबह का एयर बात करेंगे, अगर अब देखिए आप कहेंगे कि पैंडेमिक में हम बाहर नहीं जा सकते, तो आप जो है अपनी बालकनी में या खिड़की दरवाजे अपने खुले रखें ताकि हवा आए और अच्छा प्रॉपर वेंटिलेशन हो, स्वच्छ जो वायु है, क्योंकि अक्सर हम अपने कमरों में बंद रहते हैं और बाहर कार में भी जाते हैं, तो इस तरह से हम वायु का जो है, सुबह की अगर वायु का अगर सेवन करें, तो हमारा जो प्राण शक्ति है, हमारी ऑक्सीजन लेवल है, जो कि ज्वलंत समस्या इस समय बनी हुई है, हम लोग सब न्यूज में देख ही रहे हैं, तो हमें किसी भी आर्टिफिशियल मीन की, प्रकृति में हमें स्वयं उस जितनी पर्याप्त हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उतनी वातावरण में है,
आप डीप ब्रीदिंग प्राणायाम का अगर आप साथ तरीका अपनाते हैं तो आपको कभी भी ऑक्सीजन लेवल की कमी नहीं होगी। तो वो नियमित आपको हमें करना है और हमारे पंच प्राण एक्टिवेट होंगे और हमारे सारे के सारी क्रियाएं जो है हमारे शरीर के भीतर की, चाहे वो जितने ये पंच प्राण अलग अलग हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर है और उनके बिल्कुल जो है स्पेसिफिक कार्य है कि कैसे हमारे जो है अपान वायु हमारे निष्कासक मल को निष्कासक करने में मदद करती है और बाकी जो है हमारे सारे जो प्राण है ऊर्जा है वो हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यक है। तो प्राणायाम का महत्व हमें समझना है और एयर एलिमेंट एयर बाथ और इस तरह से प्राणायाम द्वारा हम अपना वायु तत्व को रिप्लेनिश, ये डॉक्टर वायु यदि हमारे साथ है तो हमें कोई भी बीमारी हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और हमें कभी भी रोग जो है हमारे ऊपर यदि वायरस हमारे भीतर एंटर कर भी जाएंगे तो हमारी इतनी जो शक्ति हमारी होगी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होगी कि वो वहां पर पनप नहीं पाएंगे और दे विल डाई इन नेचुरल कोर्स। इसके बाद अगर हम जल की बात करें तो हमें जो है प्राकृतिक तरीके से जैसे कि अगर हम फल फ्रूट जूसेस पीते हैं तो उससे भी हमारे को जो है जल तत्व मिलता है, नारियल पानी से भी जल तत्व मिलता है और जब हमारे भीतर जो 2-2.5 लीटर प्रतिदिन हमारा जो है पानी का इंटेक अगर सही हो रहा है तो हमारे जो भीतर के जो टॉक्सिक मैटर है वो फ्लश आउट होने में मदद मिलते हैं। याद रखिए कि जब आपके पेशाब में अगर स्मेल है या आपके पसीने में स्मेल है या आपके यूरिन में येलो कलर है तो समझ जाइए कि आप पानी कम पी रहे हैं। तो अपनी पानी की मात्रा आप करेंगे धीरे धीरे जो है यूरिन का कलर भी क्लियर होगा। दैट मींस कि अब जो है सही मात्रा में आप पानी पी रहे हैं और अन्य जो टॉक्सिक मैटर है पसीने के द्वारा और बॉडी में जो है सर्कुलेशन और हमारी आंतों में सारे मल निष्कासक में भी हमारे बॉडी से पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पानी के बाद जो है हमारा फायर एलिमेंट द ग्रेटेस्ट डिसइंफेक्टेंट ऑफ द वर्ल्ड, सन में इतनी ज्यादा शक्ति है कि हमारे इट्स अ ग्रेटेस्ट जर्मिसाइडल। तो जितने भी जर्म्स है बैक्टीरिया आप लोग अपने जीवन में ही देखते होंगे कि जब हमारे घरों में मसाले किचन में थोड़े से मौसम में कुछ उसमें लग जाता है कुछ फंगस वगैरह तो हम उसको धूप में रखते हैं तो कीड़े इत्यादि स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। सर्दी आने से पहले हम अपने वुलन्स हैं सब कंबल इत्यादि को धूप लगाते हैं। इसका क्या कारण है कि शुरू से ही हमें ये हमारे जीवन में सूर्य का कितना महत्व है, हमारे अगर हम खिड़कियां दरवाजे खुले रखते हैं सन की रोशनी हमारे घरों में भीतर प्रवेश करती है तो वह बहुत बड़ा डिसइंफेक्टेंट, उसके इससे बड़ा कोई सैनिटाइजर नहीं है वर्ल्ड में। और बाकी आर्टिफिशियल सैनिटाइजर तो हम थोड़े टाइम के लिए इस्तेमाल करेंगे लेकिन ज्यादा देर के प्रयोग से हमारी सेल्फ इम्यूनिटी जो है क्योंकि वो केमिकल हमारे भीतर स्किन के द्वारा प्रवेश करता है बहुत अधिक सैनिटाइजर प्रयोग करने से, तो क्यों नहीं हम प्राकृतिक जो डिसइंफेक्टेंट है सनलाइट है, डेली डोज ऑफ सनशाइन। यदि कोई व्यक्ति 30 मिनट अगर धूप का सेवन करता है तो वो मोर देन 90% देखिए 90% से भी अधिक बीमारियों से निजात पा जाता है। और बचपन में भी अगर न्यूबॉर्न बेबी को भी आपने देखा होगा जॉन्डिस इत्यादि होते तो डॉक्टर भी उनको मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी उस बच्चे को के धूप में थोड़ी देर रखें डेली तो खुद ब खुद उस बच्चे का जो है जॉन्डिस ठीक हो जाता है। इतनी हमारे जो है सूर्य में शक्ति है और हमारे सर्वाइवल के लिए यदि एक दिन के लिए भी हमारा जो सूर्य देवता जो है छुट्टी पे चले जाए तो ये धरती की क्रिएशन समाप्त हो जाएगी। सो वी शुड ये जो फ्री में हमें विटामिन डी, आजकल विटामिन डी की कितनी डेफिशिएंसी है तो ये सब बड़े आसानी से हम पूर्ति कर सकते हैं। अपने एसी घरों से बाहर निकले, अपने एसी कार्स में से थोड़ा सा कार का शीशा भी नीचे करेंगे तो धूप अंदर आ सकती है। तो इस तरह से डेली डोज ऑफ सनशाइन का आपको जो है प्रयोग करना है। एंड इसके बाद अर्थ एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो अर्थ एलिमेंट का मतलब है जो हम प्राकृतिक चिकित्सा में तो मिट्टी चिकित्सा बोलते हैं लेकिन
हम भोजन द्वारा इस तत्व की प्राप्ति, अर्थ एलिमेंट की प्राप्ति ग्रहण करते हैं। मिट्टी में जो है सारे मिनरल्स एलिमेंट्स होते हैं, और वो जब एक पौधा जो है धरती से, आकाश से, वायु से और सनलाइट लेकर जब पेड़ पौधों पे जो है भोजन जिसे हम खाते हैं, फल फ्रूट सब्जियां, तो उनका सेवन करने से हमें जो पृथ्वी तत्व प्राप्त होता है, तो वह हमारे लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। अब देखिए, जैसे कि सबसे बड़ी बात इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए क्या करनी है, सबसे पहली बात तो हमें फियर फैक्टर को बाहर निकाल फेंकना है। ये कोई हवा नहीं है, ये शुरू से वायरसेस हमारे जीवन का हिस्सा रहे हैं, बस उसको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, H1N1, SARS, डेंगू इत्यादि। हमें सारी प्रिकॉशंस लेनी है, साफ सफाई, हाइजीन इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, तो साफ सफाई का ध्यान रखना है, मास्क इत्यादि जो भी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है, और अपने बाहरी ये साधनों को तो अपनाना है लेकिन साथ साथ जो भीतर की अपनी दिव्यता है उसको तो सशक्त करना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा बाधक तत्व हमारी इम्यूनिटी के लिए क्या है, हमारा फियर फैक्टर। जब हम डरते हैं, मानसिक तनाव हमारे भीतर होता है, तो हम हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए फियर फैक्टर को बाहर निकाल फेंकना है। क्यों? यदि आप अपने ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो ये कैसे मान लेते हैं कि उस ईश्वर ने जिसने हमें इतना दिव्यता प्रदान किए, तो क्या उसने हमारे को सेल्फ मेंटेनिंग हीलिंग और रिपेरेटिव मैकेनिज्म हमारे भीतर क्या नहीं डाला होगा? इतनी बड़ी भूल कैसे ईश्वर कर सकता है? तो उसी दिव्यता पर विश्वास रखते हुए सबसे पहले हमें अपने फियर को, अपनी चिंता को, स्ट्रेस को निकाल बाहर करना है, और सबसे बड़ी बात हमारी जो हाजमा है, डाइजेशन है, उसको जो है हमें दुरुस्त रखना है, हमारी जो पाचन संस्थान है, क्योंकि 80% ऑफ हमारी इम्यूनिटी जो है वो हमारे गट में है, हमारे भीतर है। तो यदि आपका पाचन तंत्र सही नहीं है तो सबसे पहले उसकी ओर ध्यान कीजिए। जैसे कि अक्सर जो पाचन तंत्र हमारा जो है, जो हमारे भीतर हेल्दी बैक्टीरिया है, अक्सर हमारे उसकी संख्या या क्वालिटी जब कम हो जाती है तो अक्सर हमें जो है पेट की समस्याएं घेर लेती हैं। तो उसका हमें ध्यान रखते हुए हेल्दी बैक्टीरिया, यानी कि अगर आप लो फैट दही इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आप अपना पाचन तंत्र को दुरुस्त कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है प्राकृतिक भोजन, जैसे जिनको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहता है, तो उनको मैंने कॉलोन क्लेंजिंग ड्रिंक एक बार बताया था, जिसमें आपको 500 ग्राम पालक लेनी है, 250 ग्राम गाजर लेनी है, 250 ग्राम आपको शलजम पत्तियों समेत लेने हैं, थोड़ा सा अदरक, कच्ची हल्दी, और इन सबको और धनिये की पत्तियां लेके इनको आपको जो है 1 लीटर पानी में उबाल लेना है, और फिर जो है इसका सूप बनाना है। और पूरे दिन में यदि आप इस सूप का सेवन करें और कुछ और ना खाए, तो आपके जो कॉलोन है, जो जमा हुआ मल है, वो निकलने में इसमें मदद मिलेगी। तो सबसे पहले अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करना है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं, मेडिसिनल स्पाइसेस है कहिए, जो हमारे इंडियन सिस्टम में, तो हमारे तभी देखिए हमारे इंडियन सिस्टम, एंशिएंट सिस्टम इतना बढ़िया है कि पूरे वर्ल्ड में जितना प्रभाव जो हो रहा है, हमारा इंडिया इससे ज्यादा अफेक्टेड उतना नहीं है, क्योंकि हम इतने हर्ब्स स्पाइसेस अपनी डेली कुकिंग में यूज करते हैं। अब अगर मैं लहसुन की बात करूं, देखिए जो लोग तो लहसुन खाते हैं उनके लिए वो ये एक एंटीवायरल है, और जो हमारे भीतर पैथोजेंस होते हैं, जो माइक्रोब्स हमारी इम्यूनिटी को लो करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो लहसुन जो है उनको मार देता है। इसको खाने का तरीका क्या है, एक लहसुन की कली उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए और बारीक काट कर हवा थोड़ी सी लग दे दे, तो उससे जो एलिसन नामक पदार्थ बनता है वो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड होता है।
और देखिए ये प्लांट बेस्ड है, और जो भी हमारे फंगस, बैक्टीरिया, वायरस जो है वो हमारे ये लहसुन के एलिसन नामक पदार्थ द्वारा नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसे एंटीवायरल इससे हमारे को एंटीवायरल प्रोटेक्शन मिलता है। अब इसको जो है कितने दिन तक खाना है, 25 दिन तक अगर आप लगातार खाएंगे, जब तक आपके तो शरीर से लहसुन की बदबू आने लगती है, वो स्मेल, तो समझ लीजिए कि एलिसन कंपाउंड आपके शरीर में पूरा हो गया है और आपका डिफेंस मैकेनिज्म पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसके बाद करते हैं अदरक। तो अदरक का काढ़ा वो किस तरह से बनाना है, यूं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो रिसर्चर्स हैं वो मैड्रिड में हर साल अपने रिसर्च पेपर सबमिट करते हैं, और जानते हैं वो रिसर्च पेपर का सब्जेक्ट क्या होता है, इसमें जो अदरक है, लहसुन है, ऑलिव ऑयल है, इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, उन सब के रिसर्च पेपर। और अदरक में लगभग अब तक जो है 62 से भी अधिक जो है न्यूट्रिएंट्स खोजे जा चुके हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, 1 चम्मच आप अदरक को कद्दूकस कर ले और उसको जो है आप 3 लीटर पानी में जो है उबाले, सॉरी 6 कप पानी में, 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 6 कप पानी, और उसको तब तक उबाले जब तक वो 3 कप रह जाए, तो ये आपका जो है काढ़ा तैयार हो जाएगा। इसमें आप थोड़ा शहद, जो डायबिटिक नहीं है वो थोड़ा सा मीठा डाल सकते हैं, जो डायबिटिक है वो भी थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं, और इसको जो है दिन में जो है एक बार, यदि 1 कप अगर आप डेली रोज पीते हैं तो ये आपकी ना केवल इम्यूनिटी तो बूस्ट करेगा ही, बल्कि ये जो काढ़ा है एक ब्लड थिनर का काम करता है। यदि जो लोग एस्पिरिन इत्यादि ब्लड थिनर मेडिसिन खाते हैं, वो अगर वो मेडिसिन ना खा के नेचुरल ये अगर ब्लड थिनर अपनी डेली यूज में ले, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया काम, हार्ट को हेल्दी करने का काम करेगा। और हमारी मेमोरी के लिए देखिए, ये एक सिंपल सा काढ़ा जो कि बहुत इजीली हम बना सकते हैं, हमारे को इम्यूनिटी प्रदान कर रहा है, हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए सही है, हमारी मेमोरी के लिए, हमारे सर्कुलेशन के लिए, और यहाँ तक के हमारे कैंसर सेल्स तक को भी मारने में असिस्ट करता है। तो ये इस तरह से आपको लहसुन हो गया। और अब इसके बाद जो है, अगर आप 5 ग्राम हल्दी जो है 9 बजे सुबह और 9 बजे शाम को 1 कप ल्यूक वार्म वाटर के साथ डेली लेते हैं, यानी कि ट्वाइस डेली 5 ग्राम्स ऑफ टर्मरिक पाउडर, टर्मरिक पाउडर भी ले सकते हैं, और कच्ची हल्दी का भी टुकड़ा, नेल एक नाखून भर के साइज का, वो भी आप चबा सकते हैं। तो आप सुबह शाम इसको जो है प्रयोग करें, ये आपकी नेचुरली इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। अब इसके अलावा स्पेशली कोरोना केयर के लिए 4 इम्यूनिटी इनहेंसिंग जो मिनरल्स फूड्स हैं, वो उनकी मैं आपको चलते चलते चर्चा समय होने वाला है, तो मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि अपने भोजन में जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयरन का सबसे बड़ा जो योगदान है उसको प्राप्त करने का क्या तरीका है, जो हमारे किशमिश है, मुनक्का है, खजूर है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, ये अपने डेली डाइट में इनकलकेट करें। 10 किशमिश आप रोज भिगो सकते हैं। जो डायबिटिक है वो उस भीगे हुए किशमिश का पानी ना पिए, 5 से 8 मुनक्के भिगो सकते हैं, और जो डायबिटिक है, शुगर लेवल ज्यादा है, तो वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के द्वारा आयरन को प्राप्त करें। दूसरा इंपॉर्टेंट मिनरल है विटामिन सी। विटामिन सी आपका 0.2 ग्राम्स अगर डेली इंटेक अगर आपका होता है, तो आपकी नेचुरली इतनी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है कि आपको कोई भी इंफेक्शन नहीं कभी घेर सकता। अब इतनी अमाउंट ऑफ विटामिन सी डेली कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आप एक बड़ा अमरूद लाए अगर खाते हैं, उससे आपको इतने अमाउंट आपकी डेली डोज ऑफ विटामिन सी मिल जाती है, या 2 बड़े संतरे लेते हैं तो उसमें आपको पर्याप्त मात्रा 2 ग्राम, 0.2 ग्राम मात्रा ऑफ विटामिन सी जो कि रिक्वायर्ड है डेली, या फिर 4 बड़े टमाटर, 4 बड़े टमाटर आपको अगर उसका सेवन करें तो
तो आपको ये जो है विटामिन सी की पूर्ति हो जाएगी। इसके साथ तीसरा मिनरल, वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल आपकी इम्यूनिटी के लिए, जिंक, जो कि आपको पपीते के और तरबूज के बीज में मिलेगा, काजू में, पिस्ता में, मूंगफली में। और याद रखिए, गर्मियों में भी कोई भी ड्राई फ्रूट आप भिगो के ले सकते हैं, उससे घबराए नहीं कि अब गर्मी है तो वो ड्राई फ्रूट गर्मी करेंगे। जब हम उनको 5-7 घंटे भिगो देते हैं तो ड्राई फ्रूट में जल तत्व भी आ जाता है, तो उसको जो है उसका जो गर्मी पैदा करने वाला जो है वो अंश समाप्त हो जाता है। जब हमारे भीतर कोई इन्फेक्शन होता है तो बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। तो ये एंटीबॉडीज जो है बनाने के लिए बॉडी के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए होता है? एमिनो एसिड्स। और ये एमिनो एसिड्स जो है हमें स्प्राउट्स में भरपूर मात्रा में मिलते हैं। तो स्प्राउट्स को अपनी डेली लाइफ में, अपनी भोजन में जरूर इनकलकेट करें। और जिनको कच्चा नहीं खा सकते वो जो है आप थोड़ा सा स्टीम कर सकते हैं, स्टीम करके आप खा सकते हैं। और कुछ लोगों के जिनके दांत नहीं है वो मिक्सी में थोड़ा पानी डाल के स्प्राउट्स का शेक भी पी सकते हैं। तो और कुछ लोग जो है, और भी एक तरीका बताती हूँ कि उसको पीस के पेस्ट बना के रोटी में गूंद के पानी की जगह उसकी आप रोटी भी खा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। तो इस तरह से यानी के आपको अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आई थिंक आई हैव ट्राइड टू कवर मेनी थिंग्स, लेकिन फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न है तो मोस्ट वेलकम, प्लीज आप पूछ सकते हैं एनी क्वेश्चन। अगर अभी फिर भी कोई वो कोलोन क्लेंजिंग मिल्क जो शेक है उसकी आप रेसिपी डाल देंगी क्या? हाँ हाँ, मैं डाल दूंगी। थैंक यू। सबसे पहले बस अपने पाचन तंत्र का ध्यान रखिए और खुश रहे। तो यानी कि शौच और संतोष, दो जो ब्रह्मास्त्र हैं, इनका ध्यान रखें। तो यस, एनी मोर क्वेश्चन? वेरी गुड लेक्चर, मजा आ गया। थैंक यू मैडम। मैं क्लेरिफिकेशन चाहिए। आपने कोरोना के लिए एक आयरन बताया, एक विटामिन सी, एक अमीनो एसिड्स और एक जिंक। जिंक अमरूद, उसका सोर्स पपीता, काजू, मूंगफली, यही बताया जी। पपीता और तरबूज। तरबूज लेकिन आजकल क्या होता है मैडम, सिर्फ इसमें तो जी नहीं सकते, अन्न खाना जरूरत ही क्या है? और अन्न खाते हैं तो वो बाजार में जो मिलते हैं। नौलखा जी, आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही आपकी। एम आई ऑडिबल नाउ मैडम? हाँ, अनम्यूट कीजिए। Am I audible now? अभी भी नहीं आ रही, पता नहीं क्यों मुझे ही नहीं आ रही है, बाकी लोग भी नहीं सुन पा रहे। हम लोग को आ रही है, हम लोग सुन सकते हैं। हम लोग सुन सकते जी। Am I audible madam? लता जी कैसी हैं? Very good to see you. आज आपने उपवास पे बोला मैम, मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की, क्यों? आई डोंट नो, सुनीता मैम हो गया। मैम आ रही है आवाज, मुझे आ रही है आपकी, कंटिन्यू। मैम सबकी आवाज मुझे आ रही है, ये मुझे आवाज नहीं आ रही भाई। कोई मेरे साधक मेरे साथ है क्या? क्या हुआ है, गड़बड़? यस मैम आवाज आ रही है आपकी, प्लीज कंटिन्यू करें। हेलो मैम, को आवाज नहीं आ रही, आपकी आपकी आवाज हम तक आ रही है। मेरे पास आवाज नहीं आ पा रही, पता नहीं क्यों। आप बोले नौलखा जी, अब मैं अभी तक आवाज नहीं आ रही आपकी। Am I audible madam? अभी भी नहीं आ रही, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया। आई एम नॉट एबल टू हियर यू, टेक इट अप नेक्स्ट टाइम, नॉट टू वरी। जय जी, नमस्कार। नमस्कार सुनीता जी। नमस्कार सुनीता मैम। तो चलिए फिर, मैं बोल रही हूँ लेकिन आवाज नहीं सुन पा रही चंदा मैं साधकों की।
नॉट टू वरी टेक्नोलॉजी हैज इट्स प्रतिभा जी वेरी गुड टू सी यू वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सुनीता मैम सबको देख के तब प्रसन्नता हो रही है कमल जी वेरी गुड टू सी यू ऑल सो गुड टू सी एवरीबॉडी आई एम सो हैप्पी टू बी विद यू ऑल एंड अपनी सेहत का ध्यान रखिए खुश रहिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कोरोना से क्या डरना कोई डरने की जरूरत नहीं है डरने की जरूरत नहीं है मैम आप लोग तो सब साधक लोग हैं और साधना में लगे हुए हैं इससे बढ़िया बात तो अपनी डिफेंस मैकेनिज्म को तैयार करने के लिए मेडिटेशन प्राणायाम योगासन इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता सो थैंक यू ऑल सो सो वेरी मच एंड टेक केयर बी हैप्पी बी हेल्दी थैंक यू हैव अ वंडरफुल डे थैंक यू Thank you, Dr. Sunita. Thank you.